क्या हो गया है? पैर में लग गई है सोनू को। पैर में लग गई है, लग गई थी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हो गया मेरे भूरू को? भूरू क्या हो गया? भूरू क्या हो गया? भूरू क्या हो गया? भूरू आए मेरे गोला यहाँ बैठ के। ये भूरू दोनों साथ बैठ गए। एक यहाँ बैठी हुई है, दो यहाँ है। क्या चाहिए शेरू? क्या चाहिए शेरू को? क्या चाहिए? गाइस देखिए क्या हो गया गोला को मेरे। अरे बाप रे, क्या हो गया था इसके? ना ये पैर में चोट लग गई है तो उससे दर्द है, इसलिए देखिए वन के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। क्या हो गया गोलू को मेरे? क्या हो गया मेरे गोला? अरे बाप रे, ऐसे गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ गया था, गुस्सा आ गया था। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा बेटा, ये पानी में जो है धागे की रील डाल दिए हैं और उसको निकालने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे भी वो निकल जाए। देखिए धागे की रील से खेलते खेलते उसने पानी के बॉक्स में डाल दिया है। तुमको भी दिखाऊं? फाइनली मैंने निकाल दिया रील। ये देखिए कितना गीला कर दिया इन लोगों ने। ये लोग दिन भर खाते हैं। ये देखिए कैसे खेलते हैं, फटे डब्बे को फाड़ फाड़ कर, है ना? गोलू अब नीचे उतरो, नीचे उतर जाओ तो गोलू। अरे बाप रे गोलू, मेरा गुस्सा आ रहा है। आ जाओ गोलू नीचे। गोलू की लग गई है, लग गई थी गोलू गोलू को मेरे। और यहाँ पे बन रही है चाय। जितना ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहती हूँ फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा मेरा दिल करता है कि वे चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। तो गाइस अभी है सुबह का टाइम और कुछ भी काम करने का दिल बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, आज कुछ भी काम करने का दिल ही नहीं है बिल्कुल। गोलू को मेरी लग गई थी यहाँ पे। अरे बाप रे, ऐसे लग गया था? लग गया कहाँ से? लगा था कहाँ से? लग गया था मेरे गोलू को? म्याऊ बोलो, म्याऊ म्याऊ बोलो, हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो। चाय भी रेडी हो चुकी है, मैं जल्दी से छान लेती हूँ। ये सारे कपड़े जो मैंने रात में धोए थे बाहर लाके सुखाया है, देखिए कितने देर में सूखते हैं। तो गाइस मेरे लिए बहुत लेजी लग रहा है मुझे, 8 बज गया लेकिन ना नाश्ता बनाया, ना कुछ भी, ना क्लीनिंग, कुछ भी नहीं। देखिए ठंड की धूप बहुत ही खूबसूरत लगती है। मेहंदी का झाड़ ये कितना भी बड़ा हो जाए, गाय इतनी बड़ी बड़ी है कि सब खा लेती है। ये देखिए गाइस नए पत्ते आ रहे हैं। ये जो आवाज़ आती है ना, ये मोटर की है, नल आता है तो चलाना पड़ता है, इस वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा लाउडली बोलना पड़ रहा है। सर्दी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। ये देखो हमारी कैट धूप में आ गई, धूप में आ गई। देखो यहाँ गठले बन के सोया हुआ है शेरू। ऐ सो गया शेरू। क्या 8 बज रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ। अरे मेरे गोलू, मेरे गोलू, मेरे गोलू को हाथ में लगा है ना, अरे मेरे गोलू को हाथ में लगा ना। चलो यहाँ से धूप आएगी, जाओ जाओ धूप में, चलो जाओ धूप में। ये अलग खेल रहे हैं। तो गाइस मैंने सिर्फ देखिए इतनी चाय लिया है, ज़्यादा नहीं। और गाइस ये मेरा बेटा उठ के आ गया है, सोकर उठ के। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने बेटे को दे रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो रात में पनीर बनाया था ना वही है, और ये पराठा सेक कर, और ये है उसके टिफ़िन के लिए सैंडविचेस मैंने रेडी करके रखे हैं, वेज सैंडविच है। अब बस इन्हें तवे में फ्राई करके फिर डब्बे में डालना है। गाइस देखिए तीनों सो रही है। हाँ सो 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 जाओ। हाँ सो सो। तो गाइस आप सोचते होंगे ये कैसे तवे में बनाती हूँ, मेरे पास अच्छा वाला तवा भी है लेकिन ये काफ़ी पुराना हो गया है ना, तो इसमें बहुत अच्छे से बनता है, इसलिए मुझे इसी में ही बनाना अच्छा लगता है। मैंने चेंज तो किया था लेकिन वापस इसी पर आ गई। तो चलिए अब सैंडविच को फ्राई कर लेते हैं हल्का सा।
मैं एक हाथ से जो है वीडियो शूट करती हूँ फ्रेंड्स, और एक हाथ से काम, इसलिए थोड़ा सा हिल जाता होगा, इसलिए तो प्लीज़ इग्नोर करें। ये बच्चों को मैं अभी अपने बेटे का अयान को टिफ़िन में देना है मुझे, ये कभी कभी चेंज करके दे देना चाहिए। उसका डे शिफ्ट होता है और मेरी बेटी का मॉर्निंग शिफ्ट होता है, तो वो अभी नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद रेडी होंगे। अभी मुझे जाना है, कपड़े प्रेस करना है, उसके स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म जो मैंने रात में धो के डाला था हाथों से, वॉशिंग मशीन की आदत हो गई तो हाथों की आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। मज़े के लगते हैं, पूरी वेजीज हैं और इसमें मैंने सॉस लगा दिया और चीज़, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। चलो अब इन सैंडविचेस को निकाल लेते हैं, चौकी पे सेफली निकल रहे हैं। अब इन्हें हल्का ठंडा होने देते हैं, फिर कट करके टिफ़िन बॉक्स में डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने रख दिए टिफ़िन बॉक्स में सारे सैंडविचेस कट करके, और ये जो छोटे छोटे मैं कट्स करके रख रही हूँ ना 4 पीसेस में, ये उनके फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स भी मैं मतलब मेरे बच्चे के, शायद हर किसी के बच्चे शेयर करके ही खाते होंगे, तो ये उनको शेयर करने के लिए मैंने कट करके रख दिया है कि ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके अच्छे से खा सकें। और फ्रेंड्स आज मेरा बनाने का मूड है ये बैगन मसाले वाले, मसाले डाल के ये 2-3 दिन पहले लाए थे इसलिए थोड़े से मुरझाए से हो गए, तो आज दोपहर में यही बनाने का इरादा है, दाल चावल और बैगन मसाले वाले, और ये हो गया है टिफ़िन। तो गाइस यहाँ पे बन गया है हमारा मसाले वाला बैगन। मैं इसकी रेसिपी आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया था, किसी और दिन मैं इसकी रेसिपी शूट करूँगी। और ये बन गई है हमारी दाल और चावल। देखिए बज रहे हैं अभी 1:30 बजने वाले हैं, मेरा खाना रेडी हो गया है। ये शेरू बस सोता रहता है।